पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के बाद से जेडीयू और बीजेपी में अंदरखाने सब ठीक नहीं चल रहा है। पहले केंद्रीय कैबिनेट के शपथ ग्रहण से ठीक पहले नीतीश ने मंत्रिमंडल से जेडीयू को अलग कर दिया और जब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार किया तो उसमें बीजेपी के विधायकों को शामिल नहीं किया गया। अब जेडीयू ने बिहार के बाहर एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया कि पार्टी 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ेगी, लेकिन बिहार के बाहर पार्टी अपने विस्तार पर जोर देगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। जेडीयू की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि जेडीयू झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में अकेले अपने दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। वैसे जेडीयू बिहार के बाहर बीजेपी से अलग राह पर चलती है। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 17 और जेडीयू को 16, एलजेपी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। साथ ही पार्टी ने ये साफ कर दिया कि वो सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी और बाहर से समर्थन देते रहेंगे। हम अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं। बिहार में हम मान्यता प्राप्त पार्टी हैं, अरुणाचल में हम मान्यता प्राप्त पार्टी हैं और अब 4 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, पार्टी ने तय किया है कि इन 4 राज्यों में पूरी ताकत और मेहनत के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, जेडीयू ने धारा 370 पर भी अपनी राय स्पष्ट कर दी। जेडीयू ने साफ कहा कि धारा 370 पर कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब हमला होता है आर्टिकल 370 पर, इसको डाइल्यूट करने का जब प्रयास होता है, एकमात्र नेता है जयप्रकाश नारायण जो आर्टिकल 370 को सपोर्ट करते हैं। हम उनके वंशज हैं, हमारा दायित्व है अपने पुरुषों के सवालों को उठाने का, इसलिए उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बैठक में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाने का फैसला कर विवादों में आए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर भी शामिल हुए। कयास लगाए जा रहे थे कि बैठक में प्रशांत किशोर इस विवाद पर अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्षों और बिहार के विभिन्न जिला अध्यक्षों ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।